हेलो बच्चों, मैं हूं जयसिंह परिहार। आप देख रहे हैं D71 एकेडमी। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। वीडियो पॉज करके अच्छे से आप क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए। सॉल्यूशन तो मैं दे ही रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं बच्चों? द एजेज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। हरी हैं, हैरी हैं, इनकी एजेस 5:7 के रेशियो में दी हुई हैं। फिर क्या होता है, 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4। फिर 4 साल बाद की बात हो रही है, वो उस समय जो भी एजेस होंगी हरी एंड हैरी की, वो 3:4 के रेशियो में आ जाएंगी। बच्चों फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, अभी उनकी एज क्या है ये निकालनी है। तो बच्चों हम करते क्या हैं, द एज ऑफ मीन्स प्रेजेंट, प्रेजेंट में एज ऑफ हैरी क्या है बच्चों? पहले हरी हैं, हम हरी की एज लिखते हैं, जो भी है अभी लिखते हैं। एज ऑफ हैरी क्या हो जाएगी बच्चों, ये भी हम लिखते हैं। दिया क्या है बच्चों, उनकी एज क्या है 5:7 के रेशियो में है। जब भी रेशियो होता है बच्चों तो हम क्या जानते हैं, एक अननोन वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इनकी एज क्या हो जाएगी बच्चों, 5x 7x। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर ये x की वैल्यू हमें किसी तरीके से मिल जाए तो इनकी एज मिल जाएगी। यही तो हमको निकालना है। अभी तो कंडीशन दी गई है आपको, सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई दूसरी कंडीशन भी दी जाएगी, उसको हम रीड आउट करते हैं। 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। तो 4 years फ्रॉम नाउ मीन्स 4 years आफ्टर, ये एक दूसरी कंडीशन है बच्चों। तो एज ऑफ हैरी क्या हो जाएगी बच्चों, हरी, हरी की एज क्या हो जाएगी, और एज ऑफ बच्चों हैरी की क्या हो जाएगी? पहले मैंने हरी लिखा है बच्चों, बाद में हैरी लिखा है। सेम अप्रोच, यहां भी हरी पहले है, हैरी बाद में है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी इनका रेशियो क्या हो जाता है बच्चों, 3:4 हो जाता है। लेकिन उससे पहले हमको ये देखना है कि 4 years आफ्टर एज क्या हो जाएगी बच्चों। अभी 5x है, तो 4 years आफ्टर बच्चों सिंपल सी बात है, हरी की एज 5x+4 हो जाएगी, 4 साल ही तो बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार से हैरी की एज बच्चों क्या हो जाएगी, 7x+4 हो जाएगी। और ये बोल रहे हैं ये जो एजेस हैं 4 years आफ्टर, ये क्या हैं बच्चों, 5x+4/7x+4 हैं। ये किस रेशियो में हैं बच्चों, 3:4 के रेशियो में हैं। मैंने अभी आपको बताया था रेशियो होता है बच्चों तो उसमें अननोन वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है। आप कह सकते हैं सर यहाँ आपने क्यों नहीं लिखा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, रेशियो में हैं बच्चों। रेशियो क्या होता है, रेशियो एक डिवीजन होता है। अगर आप एक्स यहाँ पर एज्यूम करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, कोई भी वेरिएबल आप मानेंगे बच्चों, वाई मानेंगे, जेड मानेंगे, वो आपस में तो कैंसिल हो ही जाना है। इस वजह से मैंने नहीं लिखा था, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे। प्रेजेंट एज 5:7 के रेशियो में है, अननोन वेरिएबल का मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, रेशियो में हम यही करते हैं। तो एज क्या हो गई बच्चों, 5x एंड 7x। फिर बात हो रही है 4 years आफ्टर द एज विल बी, हमने क्या देखा, अभी एज 5x है तो हरी हो गए 5x+4 के, हैरी हो गए 7x+4 के। ठीक है बच्चों, अभी ये जो 4 years आफ्टर जो एज आई है, इन्होंने बोला ये किस रेशियो में है, ये 3:4 के रेशियो में है। तो सेम जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मैं केवल वैसा ही करता जा रहा हूँ, बस आपको इतनी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अभी क्या है बच्चों, ये सिंपलर फॉर्म में इक्वेशन है नहीं, हम क्या कर सकते हैं इसको पहले सिंपलर फॉर्म में लाते हैं। कैसे लाते हैं, यहाँ देख रहे हो वेरिएबल आपको न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, ऐसे ही क्वेश्चन को हम कैसे लाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर देते हैं बच्चों। ठीक है, मींस न्यूमरेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बी मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर ऑफ द राइट हैंड साइड। मींस ऐसे हम लिख सकते हैं 4 × 5x+4 ओके इक्वल टू, इसका मल्टीप्लीकेशन मैंने इस कंप्लीट वैल्यू में कर दिया, इसका मल्टीप्लीकेशन 3 का मैंने इस कंप्लीट वैल्यू में कर दिया, 7x+4। इतनी बात आप समझ पाए। ठीक है, अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ब्रैकेट में कितना हो गया बच्चों, 20x+4 = 16। राइट हैंड साइड में भी हम सेम अप्रोच, 7 × 3 = 21x+3 का मल्टीप्लीकेशन 4 में भी 12। अभी हम क्या करते हैं,
वेरिएबल को वेरिएबल की साइड में, कांस्टेंट को कांस्टेंट की साइड में ट्रांसपोज करते हैं। 20x एज इट इज़ लिखा रहेगा बच्चों, 21 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 12 एज इट इज़ लिखा रहेगा बच्चों राइट हैंड साइड में, प्लस 16 विल बी ट्रांसपोज टू राइट हैंड साइड, इट विल चेंज इट्स साइन एंड बिकम -16। अब क्या होगा बच्चों, 20x माइनस 21x हो गया बच्चों क्या, माइनस का 1x, यह हम लिख सकते हैं केवल -x, वैल्यू -21 ज़्यादा है ना बच्चों, इस वजह से माइनस साइन आएगा। इजक्ल टू 12 माइनस 16 बच्चों कितना आया, -4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू आ गई बच्चों 4। पूछ क्या रहा है हमसे क्वेश्चन में, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस बच्चों हमने क्या एज्यूम करी थी, 5x एंड 7x। तो बच्चों हरी की एज क्या आ जाएगी, हमने मानी थी 5x मीन्स 5 और x हमने निकाला है 4, वैल्यू आई 20। ओके, हैरी, हैरी की एज बच्चों क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, हैरी थे 7x के, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई आपने x निकाला 4, वैल्यू आ गई 28। मीन्स हरी हैं बच्चों आपके 20 ईयर्स के और हैरी हैं आपके 28 ईयर्स के। ये रहा आपका सॉल्यूशन, अच्छे से कीजिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।